हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो मैंने किया है चीज़ पराठा। और क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को कुछ करूँगी, तो बट संडे से पहले मुझे टाइम मिला तो मैंने डिनर में बनाया था, तो मैंने वो आप लोग को अपलोड कर दिया है। और आप लोग इसको देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, बहुत ही यमी है और झटपट बनने वाला एक नए टाइप का पराठा है। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने एक NGO ज्वाइन किया है, उसका नाम है गौतम बुद्ध मानव सेवा संस्था। ये बहुत ही अच्छी NGO है, इसमें बहुत कुछ अच्छा कर रखा है। ये 20 साल पुरानी NGO है, इसमें वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ को लेकर के, और मतलब साइकिल भी डिस्ट्रीब्यूट किया था पुअर लोगों को। और इसमें क्या बोलते कैंप वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसकी साइट पर विज़िट कीजिएगा, गौतम बुद्ध मानव सेवा संस्था कुशीनगर। तो ये NGO में काफ़ी बहुत कुछ अच्छा कर रखा है और हम इस पे काम कर रहे हैं। और इस NGO में मैंने सोचा है कि मतलब जो ये पार्ट है, जो वुमेन का जो पार्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट का, मैं उस पे कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब ये मेरा प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और वो कहते हैं ना कि बदलना, मतलब अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को बदलना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि अगर आप कहीं नॉर्मल आप न्यूज़पेपर देखे हैं या कोई टीवी चैनल पे या कहीं सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ आती है वुमेंस को लेकर के, आपने देख लिया, आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया, एक दूसरे से शेयर कर लिया, बस ख़त्म हो गया। वही हमारी सिर्फ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना। दूसरी चीज़ ये है, आपसे अक्सर यूट्यूब चैनल पे मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि वुमेन जो है वो 95% वुमेन जो है वो गलत मतलब अपने हस्बैंड के अगेंस्ट गलत कंप्लेन करती हैं और उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है और वो मिसयूज़ कर रही हैं इस लॉ का। करती होंगी, क्योंकि मुझे मतलब रेशियो नहीं पता कि क्या रेशियो है, लेकिन उस 95% में से जो 5% सच में जो ऐसी फीमेल्स हैं, मैं इस बात से एग्री हूँ कि आज भी हमारे समाज में 5% लेडीज़ ऐसी हैं जो सच में सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही हैं, जिसके साथ सच में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। वो किसी भी तरह हो सकता है, आपकी आज़ादी को छीन करके आप कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, कभी फैमिली की वजह से, कभी समाज की वजह से, कभी बहुत सारे रीज़न हैं। तो जो वो 5% महिलाएं हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि उनको एक पहचान मिल सके। अभी लास्ट टाइम, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात, मैं एक जगह गई थी तो मेरी मुलाकात एक मतलब एक लड़की से हुई, लड़की क्या कह सकते हैं, मैरिड थी तो उनका डाइवोर्स हो रखा है, तो मतलब डाइवोर्स हो रखा है, बट वो अपनी ज़िंदगी, बस एक होता है ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी काटना, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी काटने में बहुत अंतर होता है। ज़िंदगी खुशी से जी जाती है, अपने सपनों को पूरा करके जिया जाता है, आप जो चाहते हैं, जो आपका जो ड्रीम होता है, जो आपका एम्बिशन होता है, सारे सपने नहीं पूरे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, वो अपनी खुशी के लिए आप करते हैं, उसको ज़िंदगी जीना कहते हैं। मेरे मतलब मेरे हिसाब से, मेरी जो एक्सप्लेनेशन है, मेरी जो डेफिनेशन है लाइफ की, मैं वो बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि ऐसा आप भी सोच रहे हो, बट ज़िंदगी काटना जिसको कहते हैं कि बस हम ज़िंदगी को झेल रहे हैं, कल चल रही है, कट रही है, जो हो रहा है वो हो रहा नहीं, हर चीज़ भाग्य पे नहीं होती, हर चीज़ किस्मत पे नहीं होती है, कुछ चीज़ें कर्म से होती हैं। जब तक आप गलत चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो गलत चीज़ें कभी नहीं ख़त्म होगी, और इसके लिए दूसरा तीसरा कुछ नहीं करेगा, ना समाज। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन ये होता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या वो हमारे, उनका सिर्फ इतना इंटेंशन होता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग सुनेंगे तो बदनामी होगी। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक लड़की की पूरी ज़िंदगी। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती है, जीवन लाइफ से ज़्यादा कीमती दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका आप कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जब किसी की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उससे बड़ी बदनामी क्या होगी।
तो क्यों ना इस बदनामी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, उस चीज़ों को ख़त्म कर दो, उस बुरी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि दूसरे के साथ ऐसा ना हो पाए जो जो लोगों के साथ हुआ है या हमारे साथ हुआ, वो दूसरों के साथ ऐसा ना हो पाए। तो बस मेरा यही करना है। तो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ वुमेंस के लिए, करूँ वुमेंस एजुकेशन के लिए, करूँ ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे हर चीज़ की आज़ादी है, मुझे पढ़ाई की आज़ादी थी, मुझे अपनी पसंद से लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी थी, मुझे हर मतलब मैं मंदिर भी जा सकती थी, मैं चर्च भी जा सकती हूँ, मुझे हर चीज़ की मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने आज़ादी दी है। मेरे ऊपर कभी किसी भी तरह की कोई भी मतलब प्रेशर नहीं था। मैंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई की, मैंने अपनी मर्ज़ी से जो मैंने चाहा वो मैंने किया, स्ट्रगल किया बट मैंने किया। लेकिन हर एक की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है लाइफ में। तो ऐसी औरतें अगर आपके आसपास हैं तो सिर्फ उनकी बातें सुन करके उनको संतावना मत दीजिए, कि संतावना देने का मतलब होता है कि आप उनको एक सहारा दे रहे हैं। सहारा का मतलब वो सहारा नहीं बैसाखियों का सहारा, संतावना देने का मतलब है कि आप उनको सपोर्ट करो कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके। अगर वो कम पढ़ी लिखी हैं तो उनको कुछ ऐसा करा दो कि वो मतलब कोई ऐसा कोर्स है, जो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के कोर्स हैं जो फीमेल्स के लिए हैं, जो आप फ्री में कर सकते हैं, फिर उसको करने के बाद आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या उनको आप सही गाइड करो कि आत्मनिर्भर बने। मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया था कि ज़िंदगी के सिर्फ एक पन्ने पे, ज़िंदगी के सिर्फ एक पेज पे अपना नाम लिखना है। वो कहते हैं ना कि मतलब अक्सर बचपन में जब हम लोग कॉपी पे, जब हमारी नई नई बुक्स आती थी तो हम लोग कवर चढ़ाते थे, उस पे नाम लिखते थे बहुत प्यार से। क्यों लिखते थे? कि अगर ये किताब कभी गायब हो जाए तो हमारे नाम से वो किताब मिल जाए, हमें बुक्स मिल जाए, कॉपियाँ मिल जाए, हमारे उस पहले पेज पर हमारा नाम लिखा होता था। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी की पूरी जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है, हर एक आदमी की जो पूरी ज़िंदगी है, उसके पहले पन्ने पे, उस जीवन के पहले पन्ने पे सिर्फ अपना नाम लिख दो। पूरी किताब, पूरी ज़िंदगी दूसरों को दे दो लेकिन सिर्फ एक पन्ने पे, ताकि उसमें आपकी पहचान हो सके। और वो पहचान है आप आत्मनिर्भर बनिए। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी फीमेल्स है तो आप प्लीज़ उनकी मदद करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको मेंटली सपोर्ट करिए, उनको सही गाइड कीजिए, उनको सहारा दीजिए, उनको बैसाखियों का सहारा मत दीजिए। और हर चीज़ें दिल से नहीं सोची जाती, क्योंकि अक्सर जो दिल से डिसीज़न लिया जाता है इमोशन में आके, वो अक्सर नैया डुबा देते हैं। कभी कभी माइंड से भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। समाज, अपने हिसाब से समाज बनाओ। जब आप अपने पैर पे खुद खड़ी हो जाएंगी तो समाज भी आपसे क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अपने पैर पे नहीं खड़ी रहेंगी तो समाज तो दूर की बात है, आपके अपने आपका अपना परिवार आपको जीने नहीं देगा। और ज़िंदगी काटना नहीं है, ज़िंदगी जीना है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना है। आप जैसा चाहो, आप एक लड़की क्या होता है, शादी से पहले वो पिता के घर में होती है, शादी के बाद वो हस्बैंड के घर में होती है। पिता का घर मायका, पति का घर ससुराल, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहती हैं, आपकी क्या पहचान है। अपनी पहचान बनाओ, अपनी अपना घर, ताकि ये आपका घर है। तो आप अपनी पहचान तभी बना सकते हैं जब आत्मनिर्भर होंगे, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में। ज़रूरी नहीं कि सभी महिलाएं पढ़ी हों, सभी के पास एजुकेशन हो, आप बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग जो हैं आप कुछ कीजिए। और अगर ऐसी कोई भी महिलाएं हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, ये मेरा बेटा है जो वो वीडियो शूट करने के टाइम ज़रूर बैकग्राउंड म्यूज़िक देता है, तो हमारी NGO है, आप उसे कंसल्ट कीजिए, वो आप सर्च कर लीजिए, वहीं पर होगी। तो जो हमारी संस्था है गौतम बुद्ध मानव सेवा संस्था, आप उस पर नेट पे देख लीजिए, आप उसको नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे आपको पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप इस NGO में प्लीज़ कॉल कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। सच में जो वो 5% महिलाएँ हैं जिन्हें सच में ज़रूरत है, जिसे सच में नीड है हेल्प की, तो प्लीज़ आप अपने आप को चेंज कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, कर्म ही पूजा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दुनिया में ही स्वर्ग है, दुनिया में ही नर्क है, जन्नत और जहन्नम सब दुनिया में ही है, वो आपके कर्म से है। ये मेरा बेटा पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा, तो अब वीडियो रख रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा वीडियो मतलब रख रही हूँ, मैं मोबाइल रख रही हूँ, वीडियो बंद कर रही हूँ, अपना ख्याल कीजिएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगती। मुझे पता है बोर हो जाते हैं, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।